नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज उत्तराखंड पूछेगा उस अहम सवाल को जो सवाल इस वक्त उत्तराखंड की सियासी गलियारों में गूंज रहा है। मसला कांग्रेस के घर का है, मसला विपक्ष का है, मसला उस घेराबंदी का है जिसको लेकर विपक्ष ने एक रणनीति तैयार की है, वो भी धामी सरकार के खिलाफ। सड़क से लेकर सदन तक, गैरसैंण से लेकर दून तक, जी हां, देहरादून में विधानसभा का सत्र आयोजित होने वाला है 9 और 10 तारीख को। लेकिन उससे पहले विपक्ष ने रणनीति तैयार की है और रणनीति का ताना बुना सदन के भीतर और सदन के बाहर सड़क तक का है। सदन के भीतर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सवालों के जरिए संग्राम छेड़ने की तैयारी में है, तो सड़क पर गैरसैंण में हरीश रावत सीधे तौर पर धामी सरकार की नीति और नियत पर सवाल उठाएंगे और सियासत के केंद्र में होगा गैरसैंण। गैरसैंण को लेकर सरकार की नीति और नियत पर पहले ही विपक्ष खोट जता चुका है। वो मसला अलग है कि हरीश रावत ने अपने कार्यकाल के दौरान गैरसैंण को लेकर क्या किया, लेकिन अब एक बार फिर से गैरसैंण को लेकर सियासत, या यूं कहें कि सियासी कसरत कांग्रेस करने के लिए बेताब दिखाई दे रही है। मसला राजनीतिक लड़ाई का है, लेकिन इस लड़ाई के बीच में कांग्रेस के घर में एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन कश्मकश है या फिर जानबूझकर यह कश्मकश पैदा की जा रही है। मसला कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय से जुड़ा है, जिनके नाम की चर्चाएं और सियासी गलियारों में शोर मच रहा है कि किशोर उपाध्याय बीजेपी की ओर रुख कर सकते हैं। लेकिन क्या यह सत्य है? इन्हीं तमाम सवालों के बीच में आज सवाल सीधे तौर पर यह होगा कि सत्र भी है, सियासत भी और संग्राम भी है, लेकिन इसमें उत्तराखंड की आवाम का क्या, उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारी मुहिम मेरा देश मेरा गांव उसका भी जिक्र होगा, क्योंकि आज गांव के भीतर से एक अहम सवाल आया। और आज हम गांव के भीतर जब पहुंचे थे नरेंद्रनगर में, तो वहां के गांव वासियों ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आने वाली 9 और 10 दिसंबर को देहरादून में विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस ने सत्र के दौरान सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। वहीं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में कांग्रेस विधानसभा के अंदर सरकार को कई मुद्दों पर घेरेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता गैरसैंण विधानसभा पहुंचकर वहां पर सरकार के खिलाफ आवाज भी बुलंद करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वो सांकेतिक उपवास करेंगे। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है। सभी नेता एक मंच पर आकर कांग्रेस को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जो कांग्रेस की एकजुटता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। सरकार को सदन से लेकर सड़क तक घेरने की कवायद में जुटी कांग्रेस अपने ही नेताओं को संभाल पाने में मुश्किल दिख रही है। हालांकि हरीश रावत पार्टी नेताओं को लेकर तमाम कयास वासियों को दरकिनार करते हुए केवल अपने आंदोलन को जारी रखते हुए सरकार को घेरने की कवायद में जुटे हुए हैं। विधानसभा में हमारे लोग जनता के सवालों को उठाएंगे और मैं और गणेश जी वहाँ जा करके इस सरकार की सद्बुद्धि के लिए 25,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को खोजेंगे। विरोध में हम वहाँ जो है सांकेतिक उपवास में बैठेंगे। उत्तराखंड बीजेपी ने कांग्रेस के इस स्टैंड पर कांग्रेस को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में गैरसैंण के विकास को लेकर कोई काम नहीं किया और अब गैरसैंण के नाम पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस अपने नेताओं को ही संभाल नहीं पा रही और कांग्रेस के पास इस समय प्रदेश में राजनीति का कोई मुद्दा नहीं बचा है। किशोर उपाध्याय कांग्रेस छोड़कर किसी और दल में जाने की तैयारी में है और इस तरह की
की चर्चाएं प्रदेश भर में हो रही है। बताया जा रहा है कि किशोर उपाध्याय को राहुल गांधी ने मिलने के लिए दिल्ली बुलाया था, लेकिन वहां पर किशोर नहीं पहुंचे। ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किशोर पार्टी से कितने नाराज हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव में जीत कर सरकार बनाने का दावा करने वाली कांग्रेस के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। हरीश रावत जी तो धरना एक्सपर्ट हैं, उन्हें धरना पुरुष कहा जाए तो किस कम अतिशयोक्ति नहीं हुआ। वो तो जब उनकी सरकार रही तब भी धरने प्रदर्शन में रहे, जब उनके मुख्यमंत्री रहे तो वो चिट्ठी पत्री और धरना देते रहे। अब जब सत्र हो रहा है और सत्र में विधानसभा अध्यक्ष जी ने सभी दलों के नेताओं से बात की, मुख्य विपक्षी दल से भी बात की, सब सहमति हो गई, उसके बाद हरीश रावत जी अपने ही नेता और अपने नेता प्रतिपक्ष के निर्णय पर सवाल उठाते हैं। देखिए, हरीश रावत जी को सोचना चाहिए। हरीश रावत जी शायद अनभिज्ञ हैं उत्तराखंड की चीज़ों से कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। गैरसैंण में बजट सत्र हो चुका है, मौसम विभाग तो कहता ही है कि हिमपात हो सकता है दिसंबर और जनवरी माह में। शायद हरीश रावत जी उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों से वाकिफ नहीं, इस प्रकार की स्टंटबाजी और पॉलिटिकल माइलेज लेने की जो कोशिश हरीश रावत जी करना चाहते हैं उत्तराखंड की जनता जानती है। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड की दोनों राजनीतिक दलों पर हमला बोला है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि उत्तराखंड में दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन दोनों ही राष्ट्रीय दलों ने प्रदेश के विकास को लेकर कोई काम नहीं किया। गैरसैंण जन भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है और गैरसैंण के विकास को लेकर इतने साल तक कोई बड़ा काम नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी अपनी सरकार के कार्यकाल में पूरे प्रदेश में दिल्ली मॉडल लागू करेगी और प्रदेश के हर क्षेत्र का विकास करेगी। चुनाव के दौरान कांग्रेस को अपने कुनबे को संभालना होगा और बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी ट्रैक्टर के चलते चुनावी तैयारियों में खुद को मजबूत कर रही है, लेकिन उसका कोई फायदा होने वाला नहीं दिख रहा। हाँ देखिए, ऐसा है कि हरीश रावत जी ने जो ये कहा है कि गैरसैंण में सत्र ना होने को लेकर के वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे, उपवास करेंगे, तो हम यहाँ पर ये पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ने ही उत्तराखंड वासियों को सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम किया है। कांग्रेस पहले ये बताए कि उसने अपने कार्यकाल में कितनी सभाएं, कितने सत्र और कितनी बार विधानसभा गैरसैंण में चलाई। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इससे बचते रहे हैं। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आती है तो निश्चित तौर से गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित किया जाएगा। चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल मुद्दों की तलाश में जुटे हुए हैं। एक दूसरे पर अटैक करने के लिए हर उस एक हथियार का प्रयोग कर रहे हैं जिससे उनको चुनाव के दौरान फायदा हो सके, लेकिन सभी राजनीतिक दलों को अपने तमाम नेताओं से भी जूझना पड़ रहा है क्योंकि पार्टियों में गुटबाजी भी चरम पर है। चुनाव के दौरान तमाम नेता एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाने की जुगत में भी जुटे रहते हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों को खुद को मजबूत करने की कवायद में भी जुटे रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो तैयारी पूरी है विपक्ष की, लेकिन विपक्ष की तैयारी पर सत्ता पक्ष का क्या पलटवार होगा और क्या वाकई इस बार गैरसैंण के भीतर एक नई सियासत की लकीर खींची जाएगी? सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए जो मेहमान जुड़े हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। हमारे साथ सीमा डोरा साहब जुड़ गई हैं जो कि बीजेपी का चेहरा है, पार्टी की प्रवक्ता है। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अमरजीत हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और कांग्रेस की रणनीति को लेकर किस तरह से विपक्ष वार कर रहा है। हमारे साथ संजय भट्ट भी ज्वाइन कर चुके हैं जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत सीमा जी आपसे करना चाहूंगा। सीमा जी, मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? सीमा जी, जी जी सुन पा रही हूं। कैसे लगा प्लान आपको? बढ़िया। हेलो, कांग्रेस ने जो रणनीति तैयार की है आपको पसंद आई क्या? ये देखिए, कांग्रेस के पास मुद्दे तो खत्म हो गए, किसान आंदोलन खत्म, देवस्थानम खत्म,
अब क्या करें, लाइमलाइट में तो रहना है ना जिंदा रहने के लिए उनको, तो लाइमलाइट में रहने के लिए वो कोई ना कोई बहाने ढूंढते रहते हैं। जब राजधानी ऑलरेडी वो ग्रीष्मकालीन है तो शीतकालीन सत्र वहां कैसे होगा, ये तो समझने की बात है, ये डिक्लेयर नहीं ऑलरेडी, तो आप क्यों कर रहे हैं। और कांग्रेस इतना हल्ला काट रही है तो उन्होंने 10 साल क्या किया, उन्होंने क्यों नहीं कराए, वो अगर एग्जाम्पल सेट कर देते या उसको कह देते कि यही हुआ करेंगे सत्र तो कभी कुछ प्रॉब्लम होती नहीं ना। तो अगर उन्होंने नहीं करा, अभी सारे इल्जाम हमने क्यों चुके, हमने तो साफ शब्दों में ये कहा था कि ये ग्रीष्मकालीन राजधानी हमने घोषित करी है, तो ग्रीष्मकालीन में जो भी सत्र होगा वहां पर होगा, तो शीतकालीन में ये शीतकालीन सत्र को क्यों हल्ला काट रहे हैं लोग, वो तो होने ही नहीं है। और दूसरा ये खुद ही कहते हैं, ये खुद ही कहते हैं ये नहीं होने चाहिए। जी सीमा जी, मैं सीधे तौर पर कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं गैरसैंण मुद्दा नहीं है। नहीं, मुद्दा तो बिल्कुल है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जब वो ग्रीष्मकालीन जो है तो उसको शीतकाल में क्यों बोला जा रहा है, वहां पर मौसम बहुत खराब रहता है, वहां पर अक्सर स्नोफॉल हो जाती है दिसंबर के बाद, वहां पर बहुत आपको पता है कैसे कैसे वहां पर हालात रहते, उसमें आप क्यों इस तरह की बात कर रहे हो, जबकि प्रिपरेशन नहीं है, या तो वो बनी हुई होती राजधानी ऐसे की सरकार को ठंड लगती है, सरकार को क्यों ठंड लगती है, जो बात पहले से करेगी ना, सरकार को ठंड बन रही थी, जब बन रही थी वो ग्रीष्मकालीन तब बोलते ना कि नहीं आप अभी आप दोनों करो, उस समय धरने पे बैठते तब वो दोनों काल के लिए हो जाती, तब प्रिपरेशन होती, अब ऑल ऑफ सडन वहाँ इतनी प्रिपरेशन नहीं है। अमरजीत जी ये कह रहे हैं आप सियासी नौटंकी क्यों कर रहे हैं, अमरजीत जी गैरसैंण में गदर क्यों आखिरकार, और हरीश रावत क्या लाइमलाइट में आने के लिए गैरसैंण में धरने पे बैठने की तैयारी कर रहे हैं क्या? हरीश रावत को लाइमलाइट में आने के लिए इस प्रकार के धरने प्रदर्शन जरूरत नहीं है, वो जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उत्तराखंड की जो हमारी अस्मिता है उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो वादे इन्होंने किए पिछले दिन, उन्होंने कहा 27 तारीख को 28-29 को हम सत्र करेंगे, ये कांग्रेस ने नहीं कहा था, ये भारतीय जनता पार्टी और धामी जी ने कहा था, हम गैर से आपके नेता उनके पास की नहीं कराइए, आप अग्रवाल जी के पास गए थे, आप मत कराइए, हम यही करना चाहते हैं देहरादून में, और वहाँ सत्र आहूत करने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी, कांग्रेस पूर्ण तरह सहमत थी, आज अगर आपको ठंड लगती है अब आप गैरसैंण से भाग रहे हो और देहरादून में सत्र कराने की बात कर रहे हो तो भाग आप रहे हो। और रही बात कांग्रेस के पास, कांग्रेस का मुद्दे बहुत है, किसानों का जो मुद्दा था वो कांग्रेस ने जो दबाव बनाया, अन्य दलों ने जो दबाव बनाया, इसलिए मोदी जी को बैकफुट पे आना पड़ा। और रही बात जिस मुद्दे की बात कर रही थी आप देवस्थानम बोर्ड को लेकर के, वो भी पंडित प्रोहतो ने जो दबाव बनाया, जो विपक्ष ने दबाव बनाया, कांग्रेस ने दबाव बनाया, उस कारण धामी सरकार को अपनी चिंता लग रही थी, उनको सत्ता हाथ से जाती दिख रही थी, उनको अपने मुद्दों से वापस आना पड़ा। ऐसे ही मुद्दों को लेकर के अब गैरसैंण में हम धरना प्रदर्शन करेंगे और जन जागरण का काम करेंगे वहां पर। हमारी सरकार जन भावनाओं को सम्मान, अच्छा गैरसैंण को लेकर इतनी चिंता हो गई आपको? इन लोगों, अच्छा एक सेकंड सीमा जी आप कह रहे हैं जन भावनाओं की कदर है, जी 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 बिल्कुल, सारे राष्ट्रद्रोही है, सारे राष्ट्रद्रोही है, जो सवाल पूछे वो राष्ट्रद्रोही है, विपक्ष आवाज उठाए तो ये भी राष्ट्रद्रोही है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि गैरसैंण को लेकर ये लोग चिंतित दिखाई दे रहे हैं, इनका कहना ये है, लेकिन गैरसैंण को लेकर जिस तरह की जनभावनाओं या फिर जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष से पूछकर हम लोगों ने ये फैसला लिया, और एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि हमने फैसले को लेकर सहमति जताई नहीं थी, ये क्यों गए थे, ये भी तो गए थे, पूछे इनसे ये अग्रवाल जी के पास गए थे कि नहीं गए थे, जब ये गए और इन्होंने कहा हमें देहरादून में चाहिए सत्र इस बार वाला, तो डिसाइड हो गया, जब डिसाइड हो गया तो ये परेशान हो गए, क्यों परेशान हो गया अभी ये? नहीं अभी तो आप कह रहे थे परेशान देहरादून में ही होगा, बाकी तो बात ही नहीं हो रही थी, आप स्वयं अपनी बातों से पीछे हट रही हैं। आप एक सेकंड, आपको जान, नहीं 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 हरीश रावत नेता प्रतिपक्ष है क्या, हरीश रावत नेता प्रतिपक्ष है क्या, तो गए तो थे इनके नेता प्रतिपक्ष, तो आपने क्या वहां पे पूछा नेता प्रतिपक्ष हरीश रावत है क्या, तय कौन करेगा, तय तो मिलके करा संजय भट्ट साहब, दोनों जब दोनों बीजेपी के दोनों नेता गए तो वहां तय हुआ ये बात, यही करा लेते देहरादून में, हाँ तो वही कांग्रेस कह रही है कि हमसे पूछा नहीं गया, आप कह रहे हैं कि देहरादून में करवा लेते हैं, वो कह रहे हैं ओके। एक सेकंड संजय भट्ट जी, ये चल क्या रहा है गैरसैंण को लेकर? देखिए तिलक भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हमारी सीमा डोरा जी जो कह रही है, या हमारे कांग्रेस के मित्र अमरजीत सिंह जी
रहे हैं उनकी बातें आपने सुनी होंगी, मैं भी सुन रहा था। और थोड़ी सी मुझे पहली बात तो ये कि सीमा जी ने कहा कि शीतकालीन राजधानी नहीं है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तो वहाँ ग्रीष्मकालीन सत्र होगा ना कि शीतकालीन। ठीक है, मान लेते हैं इनकी बात, क्योंकि इन्होंने राजधानी पूरी तो बनाई नहीं, ग्रीष्मकालीन बनाई, लेकिन ग्रीष्मकालीन सत्र जब गैरसैंण में होना था तो वो देहरादून में करवाया इसी सरकार ने, और कहा कि शीतकालीन सत्र हम गैरसैंण में करवाएंगे, ये इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था, और ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में नहीं करवाया था। सीमा जी बोला था आपने, जहां तक बात है शीतकालीन सत्र की, तो शीतकालीन सत्र के लिए इसी सरकार ने, इसी धामी सरकार ने कहा कि हम गैरसैंण में सत्र करा रहे हैं शीतकालीन सत्र, और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ कांग्रेस के नेता नेता प्रतिपक्ष ये बोला था ना सीमा जी, ये तो बोला था कि नहीं बोला था, दोनों के दोनों स्पीकर के पास गए अग्रवाल जी के पास, और उन्होंने कहा वहाँ ठंड बहुत होती है, जो अभी सीमा जी भी कह रही है कि वहाँ ठंड बहुत होती है, इसलिए देहरादून में सत्र कराया जाए। तो ये चरित्र और चेहरा कांग्रेस और भाजपा का दिखाता है कि कांग्रेस कहती कथनी और करनी में फर्क है आपके, पार्टी के सीमा जी कथनी और करनी में फर्क है, संजय भट्ट जी कह रहे हैं में ठंड है, तो इसका मतलब जो गैरसैंण में लोग रह रहे हैं वो पलायन कर जाएं, जो पहाड़ पे लोग रह रहे हैं वो पलायन कर जाएं, क्योंकि ठंड जवाब दीजिए सीमा जी, या सिर्फ विधायकों को ठंड लगती है? ओके भट्ट जी, आप सुनिए ना सीमा जी, जवाब दीजिए, ये इन्हें रोकेंगे तब मैं जवाब दे दूंगा। ये एक एक बात और कहना चाहूंगा, ये उत्तराखंड राज्य हम लोगों ने आंदोलन करा, जो हमारी माँ बहनों ने आंदोलन किया, पूरे उत्तराखंड वासियों ने जो आंदोलन किया, वो एक पहाड़ी राज्य के लिए आंदोलन किया था, यहाँ ठंड तो लगेगी ही। भट्ट जी, भट्ट जी एक सेकंड रुकिए, सीमा जी जवाब दीजिए, हरीश रावत पीता इनको चुप करा लीजिए, तब जवाब दूंगी, मेरी आवाज इतनी तेज नहीं है इनके साथ लड़ता, इनको बोलिए चुप करें। भट्ट जी हो गया हो गया, सबसे बड़े राज्य आंदोलनकारी आप ही है, एक सेकंड अब जवाब ले लीजिए सीमा जी का, सीमा जी जवाब दीजिए, छोटे क्या मैं राज्य आंदोलनकारी हूँ भाई साहब? अरे यार राज्य में चालीस सारे हैं यहाँ पे, मैं जानता हूँ भट्टी, क्यों क्या काट रहे हैं आंदोलन कर, आप अकेले नहीं है, आपने नहीं रखा नहीं आंदोलन, आंदोलन करके पूरा उत्तराखंड बनाया, यार हर घर का हर बच्चा यहाँ पर आंदोलनकारी था, हर महिला वहाँ पे गई थी, क्या आप कह रहे हैं? चुप रहिए, आप सुनने दीजिए, मैं बात करूंगी आपसे, आप कह रहे हो कि वहाँ पर हर हर घर में ठंड होती है, लोग वहाँ पे रहते हैं, मैं इस बात को मानती हूँ, लोग वहाँ पे रहते हैं, लेकिन आप इनको बोलिए दीजिए, आप इनको बुला लीजिए, बदतमीजी मत कीजिए डिबेट में, एक सेकंड भट्टी प्लीज, भट्टी जनता पार्टी का बोलिए, जवाब नहीं देंगे, पाकिस्तान चले जाओ, किसी को जवाब देने नहीं देंगे, आंदोलन का अभी आप ही तो खाली बैठे हो यहाँ पे, आप चुप नहीं होते, आप जवाब लेना नहीं चाहते, आप भट्टी प्लीज एक करके प्लीज, एक एक तरीका है, ओके यही तरीका है भारतीय जनता पार्टी का, सीमा जी सत्ता में है आराम से, भट्टी आराम से चुप रहिए, ये देखिए डिबेट में किस प्रकार की भाषा का भट्टी एक भाजपा के प्रवक्ता यूज कर रहे हैं, एक भट्टी प्लीज, भट्टी प्लीज, डिबेट डिरेल हो रही है, सीमा जी सीमा जी आप दबा नहीं सकते, सीमा जी मैंने आपको पूरा मौका दिया, सीमा जी मुद्दे पर आए, सुन रहे मैंने सुना, सीमा जी मुद्दे पर आए, कौन होगी मुझे मौका देने वाली, आप कौन होगी, तिलक चावला जी एंकर है, वो देंगे मौका, सीमा जी प्लीज, तभी बोलूंगी वरना नहीं बोलूंगी, भारतीय जनता पार्टी प्लीज, सीमा जी प्लीज, भट्ट जी प्लीज, भट्ट जी प्लीज प्लीज, अगर आपको पर्सनली लड़ाई लड़नी है तो मैं भट्ट जी आपको और सीमा जी आपको दोनों का एक नंबर दे दूंगा, प्लीज ये जनता के हित को लेकर हम लोग सवाल उठा रहे हैं, प्लीज सीमा जी आप अपनी बात रखिए प्लीज, आप भट्ट जी प्लीज, मैंने कोई पर्सनल अटैक नहीं किया था, ना मैंने पर्सनली कुछ कहा था, पर्सनली सीमा जी ने मुझे कहा कि चुप रही है, ये डिबेट के अंदर कहा, मैंने तो सीमा जी को पर्सनली भट्ट जी, भट्ट जी प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज, सीमा जी आप कंटिन्यू, आप सर देखिए इन्होंने ये बात बोली कि वहाँ पे लोग रहते हैं या उन्हें ठंड नहीं लगती, बिल्कुल लगती है ठंड, वो उस परिवेश में रहते हैं, उनकी पूरी तैयारी रहती है कि वो ऐसे ही रहते हैं, लेकिन जब एक सत्र कराया जाता है तो उसकी प्रिपरेशन होती है, लोग बाहर से आएंगे, उनके हर चीज की तैयारी थी जो अभी नहीं थी, जब उन्होंने ये लोग गए आपस में नेता प्रतिपक्ष और हमारे वंशी दल जी गए, उन्होंने डिस्कस किया और बात हो गई, तो जब आप ऑल ऑफ सडन कैसे प्रिपरेशन हो जाए, इतने सारे लोग जब वहां पे जाएंगे उनके ठहरने मेडिकल के हर चीज की वाटर की, जहां पर राजधानी बनी वहां पर पानी की व्यवस्था बहुत उचित नहीं है,
तो ये सब चीजें असल तो ये किसकी जिम्मेदारी है? सीमा जी अगर पानी की व्यवस्था वहाँ नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, एक मिनट सर पूरा कर लीजिए, मैं नहीं बोलूंगी। एक एक अमरजीत जी, अमरजीत जी प्लीज एक सेकंड, अमरजीत जी मैं आप ही के पास आऊंगा इसके बाद। अगर लड़ाई लड़नी है ना तो सब मुद्दों पे बोलिए सीमा जी, वहाँ पर ये सब चीजें नहीं है, पहले उन सब चीजों को बनाया गया। आपने राजधानी मांगी, वो ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होगी, अगर आप लोग को एक्सेप्ट नहीं, हमने कभी ग्रीष्मकालीन नहीं मांगी थी, हमने राजधानी मांगी थी, अटल सरकार ने देहरा दून को कोई राजधानी घोषित हो उत्तराखंड देश का एकमात्र राज्य है जहाँ दोनों राजधानी है, लेकिन राजधानी नहीं है, एक अस्थायी राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी, स्थायी राजधानी उत्तराखंड पे नहीं है। भट जी प्लीज, भट जी झगड़ा नहीं करना है ना, आप लोग अचानक जागृत हो जाते हैं इलेक्शन के टाइम, सारे इलेक्शन मुद्दे आप लोगों के पास आ जाते हैं, उस समय करना था ना, उत्तराखंड की प्रगति की इतनी चिंता थी तो मैं इसी को उठा रहा हूँ। ओके ओके, और आप सीमा जी भट जी एक सेकंड, अमरजीत जी मैं सिर्फ आपसे एक बात जानना चाह रहा हूँ, क्या वाकई चुनावी एजेंडा हरीश रावत इसको बना रहे हैं? जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने क्या किया? गैरसैंण की नींव तो विजय बोगड़ा ने रखी, उसके बाद जो वहां पे सदन बना वो किसने बनाया, जो आवासीय भवन बने वो किसने बनाया अधिकारियों के लिए, लोगों के लिए, वो सब कांग्रेस सरकार में बने, भारतीय जनता पार्टी। तो फिर आप ही ऐलान कर देते, अगर आप कह रहे हैं कि सरकार को ठंड लग रही थी तो तब सरकार को ठंड लग रही थी क्या? हरीश रावत सरकार को ठंड लग रही थी तब? मेरी बात भी सुनिए, त्रिवेंद्र सरकार ने वहां पर 25,000 करोड़ की बात की थी, कहां है 25,000 करोड़, कौन बात कर रहा है उस 25,000 करोड़ की, सीमा जी बताएं कहां है 25,000 करोड़ वो जिसकी बात कर रही है? अभी वो कह रही कि मुद्दा नहीं है, अब कह रहे हैं इनके पास केवल यही मुद्दे बचे हैं, तो कांग्रेस तो मुद्दों पे चुनाव लड़ती है ना, मुद्दों पर ही बात कर रहे हैं हम लोग, गैरसैंण में भी मुद्दे उठाने ही जा रहे हैं, लोगों को जागरूक करने जा रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को क्या कहकर भारतीय जनता पार्टी सरकार आई थी और आज किन मुद्दों पर खड़ी हो और कितने वादे उन्होंने पूरे किए। यानी ये मुद्दा होगा आपके लिए गैरसैंण का, जब सत्ता में थे तब कुछ नहीं किया, तब ठंड नहीं लग रही थी आपको, आज ठंड लग रही है सरकार को? सरकार को तो ठंड लगी रही है, सरकार तो पहले से दौड़ रही है, आप देखिए पहले भी उन्होंने सत्र कराया, जब ग्रीष्मकाल से सत्र कराया उसमें त्रिवेंद्र सरकार चली गई, इनको आदर में छोड़ के भागना पड़ा, उसके बाद आपका जो उनका वादा था कि कराएंगे शीतकालीन में कराएंगे, अब वहां से दौड़कर देहरादून चले आए, कभी मोदी जी के नाम पर रैली करानी है, इस वजह से इनको उसकी तारीख आगे। अमरजीत जी एक सवाल पूछूं, नाराज तो नहीं होंगे जी? नहीं बोलिए बोलिए आप। किशोर उपाध्याय जी बैठेंगे क्या धरने पर? नहीं, सवाल कहां से आ गया किशोर उपाध्याय का, ये चर्चा कहां हो रही है, आप किशोर उपाध्याय जी के बीच में ला रहे हैं, और किशोर उपाध्याय जी भी आ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं इसमें, कोई किशोर उपाध्याय का नाम ना लो, लीजिए ना आप लीजिए, लेकिन आपके पहुंचने जो बात पूछने का सवाल का तंज है ना, आप तंज के तौर पे पूछ रहे हैं सवाल, हो सकता है बिल्कुल वहां पे रहे मौजूद, कोई बड़ी बात नहीं। अमरजीत जी मैं तंज नहीं कर रहा, नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं तो मजबूत, आप देखिए भट जी कह रहे थे मैं राज्य आंदोलनकारी हूँ, तो मैंने कहा एक और राज्य आंदोलनकारी का नाम ले लेता हूँ, मैंने किशोर उपाध्याय जी का भी नाम ले लिया, तो आप नाराज क्यों हो गए? राज्य आंदोलनकारी रहे, शुरू से कांग्रेसी रहे, कांग्रेस को उन्होंने मजबूत किया, कांग्रेस को मजबूत किया, पार्टी का मजबूत किया। नहीं मैं ये तो पूछ, मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि आप बार बार ये क्यों कह रहे कि कांग्रेस ही है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि वो धरने पर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे किशोर उपाध्याय हरीश रावत जी के साथ। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, जब उत्तराखंड के हित में कोई सवाल पूछ, राजनीतिक हत्या, सरकार में रहते भी सवाल पूछे और वो आज भी भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रहे हैं, हो सकता है वो भी साथ मिले आपको, ये कोई अनोखी बात नहीं है, वो रहेंगे साथ हमारे। भट जी मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया था कि किशोर उपाध्याय जी को लेकर अमरजीत जी नाराज हो गए? मैं नाराज नहीं हो गया, मैं कह रहा हूँ आप तंज के रूप में कह रहे हैं सवाल को, किशोर उपाध्याय सवाल करिए ना, सवाल का जवाब दे रहे हो, हमसे अलग नहीं है, किशोर जी हमारे साथ ही है, ये तो भ्रम की स्थिति। जी जी मैं कह रहा हूँ सर आप साथ ही है, मैं तभी पूछ रहा था धरने पर दिखाई देंगे ना हरीश रावत जी के साथ या नहीं। ओके भट जी अपनी बात रखिए, भट जी जी देखिए अमरजीत जी भी किशोर उपाध्याय जी को अच्छी से जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम सब लोग ही जानते हैं, किशोर उपाध्याय जी का जो राजनीतिक सफर था उसकी राजनीतिक हत्या किशोर उपाध्याय जी की करने की किसी ने कोशिश की तो वो हरीश रावत जी थे, हरीश रावत जी ने उन्हें घेर के ऐसे सहसपुर में राजनीतिक हत्या की कि वो बेचारे कहीं के नहीं बचे, ना वो टीरी के रहे, ना वो सहसपुर के हो पाए और ना ही वो प्रदेश अध्यक्ष रह पाए, जबकि जिम्मेवारी किशोर उपाध्याय जी के साथ साथ
उस लगातार हार की, हरीश रावत जी की भी थी। हरीश रावत जी जिस हार को लेके अपने कंधों पर घूम रहे हैं वो हार है। तिलक चावला जी, हम मुद्दे से भटक रहे हैं, बात गैरसैंण की हो रही है। आप सहसपुर चुनाव में चले गए, किशोर जी कैसे हारे, कैसे बड़ी हार जो है वो हरीश रावत जी के नाम है, रिकॉर्ड जो है वो हरीश रावत जी के नाम है, 3,40,000 वोटों से हारने का। भट्टी जी, मेरा आपसे निवेदन है, मुद्दे पर हरीश रावत जी की जिस मुद्दे पे बहस हो रही है, जिस मुद्दे पे सवालों को जवाब देना उनका दीजिए। नहीं, मैं आधा जवाब दीजिए, नहीं बोलूंगा। अमरजीत जी आपके हिसाब से नहीं, कांग्रेस के हिसाब से नहीं, मैं अपने हिसाब से ही बोलूंगा। आप भटक रहे हैं, आप परेशान हो, भटका रहे हैं आप, ना हो वो आपकी मर्जी है। देखिए, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हरीश रावत जी जो कह रहे हैं ना कि गैरसैंण में धरना करेंगे, आज ही हरीश रावत जी का एक बयान है, उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि कोई मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड का, प्लेन से बने। अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि एक दलित बने, उससे उसके बाद केदारनाथ चले गए, वहां कह रहे थे मैंने केदार बाबा से मांगा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। कौन सा गुनाह किया वो, तो कंफ्यूज कर रहे हैं पूरी की पूरी जनता को। उत्तराखंड का निवासी हो, कहीं से बन सकता है वो दलित हो, तराई हो, चेहरा दिखाई दे रहा है, उससे क्या मतलब है? बात उत्तराखंडियत की करते हैं लेकिन काम दूसरे करते हैं, की बात ही तो है। वो कह रहे हैं कहीं तराई से बने। भट्ट जी, किशोर उपाध्याय को लेकर इतना दिल क्यों धड़क रहा है आपका? मैंने तो इसलिए पूछ लिया आपसे, आपका बड़ा दिल धड़क रहा है किशोर उपाध्याय को लेकर। जी, मैं सवाल नहीं सुन पाया। सवाल यही तो था कि किशोर उपाध्याय को लेकर आपका दिल बहुत धड़क रहा है, क्या चक्कर है? और ये सवाल है ना, किशोर उपाध्याय जी को मेरा नहीं, भारतीय जनता पार्टी का दिल धड़क रहा है। तो वो चले चर्चा है जैसे कि किशोर उपाध्याय जी जा रहे हैं बीजेपी में जा रहे हैं, ऐसी कई सीमा जी ना 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 ना, ये कहानी कुछ और ही है, वो आगे मैं बताऊंगा, जो अमर जी समझ नहीं पा रहे या फिर समझाना नहीं चाह रहे। लेकिन सीमा जी, ये क्या कह रहे हैं भट्ट जी, कैसी अफवाह फैला रहे हैं कि किशोर जी बीजेपी के द्वार जा रहे हैं? मुझे तो पता नहीं, वैसे कांग्रेस पार्टी का नाम बदल के ना कंफ्यूज पार्टी रख देना चाहिए। दे आर टोटली कंफ्यूज, इनको खुद को नहीं पता कि चल क्या रहा है, करना क्या है, कौन सा नेता कहाँ जा रहा है, क्या बोल रहा है, इनको कुछ नहीं पता। एक्चुअली इनका लीडर ही कंफ्यूज है। आप किसको लीडर मानते हैं पता आपको? या तो ये हरीश रावत जी को लीडर मानते हैं या ये राहुल जी को लीडर मानते हैं? जिनका हरीश रावत जी का अपना कोई अस्तित्व नहीं, जो सिंह में पकड़ेगा, जो दुनिया को कहते लूट लो उत्तराखंड को लूट लो, एक हमारे सामने रोल मॉडल राहुल जी है, जिनको खुद को नहीं पता लगता वो बोल क्या रहे, क्या वो राष्ट्रनेता है, क्या वो राष्ट्रनेता? ऐसी कंफ्यूज पार्टी, ऐसी कंफ्यूज पार्टी क्या करेगी? बेचारे हर समय कंफ्यूज होते, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, इनको खुद कुछ नहीं पता, इनकी पार्टी को नहीं पता, इनको बस मुद्दा चाहिए, लाइन लाइन में रहना है ना। किसी को किसी से लड़ा दिया, एक मुद्दा बना लिया, कई बार मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ रहे क्या अमरजीत जी? क्या अभी कंफ्यूजन क्लियर कर, अभी कंफ्यूजन क्लियर अमरजीत जी वेलकम करते हैं इस चीज का। सीमा जी, जो सीमा जी सुन लीजिए ना, हमने किया, अमरजीत जी की भी सुन लीजिए, हमने किया कुछ नहीं, सिर्फ ब्लेम और सारा क्रेडिट खा लेना। ये वाले होते हैं जो जिनको कुछ नहीं आता, ओके ओके, काम को कैसे अमरजीत जी, ये वो लोग हैं। एक सेकंड सीमा जी, अपनी पार्टी के बारे में बता दीजिए ना अमरजीत जी, अमरजीत जी वो क्या कल आपने बुकलेट जारी किया है कि उत्तराखंड हरदा के संग कुछ ऐसा कुछ है क्या? चार साल में क्या किया प्रधानमंत्री उत्तराखंड चलाने नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, संगठन में हूँ प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री रक्षा की बात नहीं करी, अमरजीत जी देश की प्रगति की बात नहीं करी, वो है कांग्रेस पार्टी। सीमा जी चुप करेंगे तो हमें कोई जवाब दूंगा। गद्दार पार्टी है कांग्रेस पार्टी, बिल्कुल, जिसने सारे पाकिस्तानी को पीठ पे, जिसने जुड़ा गोपा हम हर इंसान आम इंसान के पीठ पे, वो है कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल ठीक कह रही है, जनता आपको जवाब देगी बहुत जल्दी। प्लीज एक सेकंड, एक सेकंड, जनता तो जवाब देगी, जनता बहुत अमरजीत जी एक सेकंड, मात्र दो महीने रह गए जवाब देने के लिए, जनता को देने दीजिए। अमरजीत जी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो आपने वो बुकलेट जारी की उत्तराखंड संग हरदा कुछ ऐसा, क्या वो नारा है वो जरा बताएंगे सर? हरदा के संग उत्तराखंड तो है ही है, वो तो आप बताइए, आप किस इस हरदा के संग हरदा के संग उत्तराखंड आप किसके साथ जोड़ना चाह रहे हैं? सवाल ये है कि अगर कोई हरदा को देखना चाहता है तो उसमें क्या हरदा? नहीं नहीं सर, मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं तो हरदा को लेकर सवाल पूछता हूँ, आप नाराज हो जाते हैं, किशोर उपाध्याय को लेकर सवाल पूछता हूँ तो नाराज हो जाते हैं।
नहीं नहीं आप मतलब अगर हरदा के संग उत्तराखंड की बात कर दें तो आप मतलब मीडिया वाले परेशान हो जाते हैं या सीमा जी परेशान हो जाती है, बाकी लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। अरे भाई अगर हम तो सवाल, हम विपक्ष हैं, हम तो सत्ता पक्ष अच्छा, सवाल पूछेंगे, हम तो पूछेंगे पिछले पांच सालों में आपने उत्तराखंड क्या किया। वो हरदा पूछे, किशोर पूछे, गोदयाल जी पूछे या प्रीतम सिंह पूछे, अगर वो सवाल करें प्रीतम सिंह तो भी बेहतर, हरदा करें सवाल तो भी अच्छी बात है, जवाब तो इनको देना ही है। अच्छा, वो बुकलेट में क्या है सर, वो उत्तराखंड हरदा संघ उत्तराखंड क्या है उसमें सर? नहीं तो सवाल पूछने के लिए तो हम कर रहे हैं, वो लोगों से पूछेंगे नौकरियां कहाँ गई, कहाँ गए रोजगार, हम तो कह रहे हैं लोगों से, हम तो मैनिफेस्टो में भी नंबर देके मांग रहे हैं, हम तो हमें बताइए आपकी क्या डिमांड है, क्या होना चाहिए उत्तराखंड में, हमारी तो उसमें मांग है। ये सर नारा है आपका हरीश रावत? आप तो नारा तक बहुत कुछ, नारा कुछ भी हो सकता है, महंगाई भी नारा हो सकता है, हरदा भी नारा हो सकता है, किशोर भी नारा हो सकता है, गोदयाल भी नारा हो सकता है, प्रीतम सिंह भी नारा हो सकता है, जिसके नाम से वोट मिलेंगे, जनता जिसकी बात को सुनेगी। भट्ट जी भाई और उस्मानी, आप हंस क्यों रहे हैं, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं भट्ट जी? नहीं कोई हमारे पास कोई नेता आयात करने की जरूरत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी को है जो अपने काम गिनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को लाना पड़ता है, हमारे पास तमाम नेता हैं, वो मैंने बार बार कहा हरदा भी हो सकते हैं, किशोर भी, प्रीतम भी और गोयल भी और भी लोग हैं। ओके ओके अमर जी, अब सुन लीजिए ना भट्ट जी की बात भी सुन लीजिए। भट्ट जी आप कह रहे थे कि भैया इतने वोटों से हार गए, उतने वोटों से हार गए, इनके नाम वो रिकॉर्ड हारने का वो तो अभी भी कह रहे हैं कि उत्तराखंड हरदा संघ उत्तराखंड, आपने देखा नहीं शायद। मैंने कोई अपनी तरफ से तो कुछ कहा नहीं, जो उत्तराखंड में सबसे बड़ी हार का रिकॉर्ड है वो हरीश रावत जी के नाम है, मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना, ये तो सत्यता है, हरीश रावत जी हारे वो सबसे बड़ी हार हरीश रावत जी की हुई, या फिर आप लोकसभा चुनाव की बात करेंगे तो लोकसभा चुनाव की पांचों की पांचों सीट कांग्रेस हारी तो मेरे कारण तो नहीं हारी, या लोकसभा चुनाव में अगर आप विधानसभा वार एनालिसिस करेंगे तो सिर्फ पांच सीटों पर कांग्रेस आगे थी और 65 सीटों पर पीछे थी, तो ये कांग्रेस हरीश रावत जी के टाइम पर ही हारी, हरीश रावत जी खुद विधानसभा दो दो सीट से हार गए, वो तो हार मैं तो नहीं कह रहा हूँ, ये तो सत्यात्मक बात है, कोई मैं अपनी तरफ से कुछ कहूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ कहूँ तो गलत होती है कि हाँ मैंने कुछ अपनी तरफ से कुछ कहा है, हरीश रावत जी को तो पूरे उत्तराखंड ने देखा है कि किस प्रकार त्रिवेंद्र रावत को ढेंचा बीच घोटाले में से बचाया, तो ये तो हरीश रावत जी को पूरा उत्तराखंड देख चुका है कि किस प्रकार से हरीश रावत जी ने स्टिंग में कहा लोकसभा चुनाव में पंजाब में कांग्रेस की 13 में से 8 लोकसभा सीट पंजाब में कांग्रेस की आई, इतनी बड़ी सीटें लाए अमरिंदर सिंह, और उत्तराखंड में तो 0 आई, 50-55 पूरे देश में आई, लेकिन पंजाब में 13 में से 8 आई, उन अमरिंदर को भी शहीद करने वाले कौन, हरीश रावत, हो गया तो जहाँ चरण पड़े संता कईयों को पार लगा दिया हरीश रावत जी, तो वो चीजें जो कईयों को पार लगा चुके हैं, और कांग्रेस मुक्त भारत भी है लेकर लग रहा कोई पर्सनैलिटी है आपकी। एक सेकंड आप रुक जाइए, मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आ रहा हूँ, सीमा जी, अमरजीत जी, भट्ट जी, अब एक महत्वपूर्ण विषय पर आ रहा हूं, उसको सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि गैरसैंण में राजधानी बन जाए शीतकालीन ग्रीष्मकालीन, लेकिन क्या पहाड़ के विकास की जो अवधारणा का जिक्र हम कर रहे हैं वो सच है क्या? क्या गैरसैंण में राजधानी बन जाने से सिर्फ और सिर्फ पहाड़ का विकास हो जाएगा? इसका एक उदाहरण मैं आज आपको देता हूं। हमने एक मुहिम, एक मुद्दा शुरू किया है एजेंडे के तहत, मेरा गांव मेरा देश, हम कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के जरिए गांव गांव के मुद्दे उठाते हैं, गांव प्रधान को जोड़ते हैं, वहां की आवाम को जोड़ते हैं और वहां के मुद्दों को समझते हैं। सीमा जी, आज एक मुद्दा उठाया हमने और वो मुद्दा था, मैं पहाड़ की पीड़ा का जिक्र कर रहा हूं आपसे, वो पहाड़ की पीड़ा क्या थी आप सुनिएगा। नरेंद्र नगर बहुत VIP सीट है, वो दुनिया कैबिनेट मंत्री है, कृषि मंत्री है, वहां का एक गांव है लावा गांव, सुना है आप में से किसी ने? सीमा जी, लावा गांव, सीमा जी लावा गांव जी,
सुना है, मैं उसकी पीड़ा बताता हूं। वहां की आवाम ने हमें बताया कि सड़क नहीं, स्कूल नहीं, नेटवर्क नहीं, कुछ नहीं है वहां पर। पहले आप लोगों की राय सुन लीजिए, वहां लोग क्या कुछ कह रहे हैं, और फिर उसके बाद मैं उस विषय पर आता हूं, क्योंकि गैरसैंण में राजधानी बनना क्या पहाड़ की पीड़ा को दूर कर लेगा? इसका एक उदाहरण दिखा रहा हूं मैं आपको, प्लीज प्ले करिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मैंने अपने ग्राम सभा से प्रस्ताव रखा था ब्लॉक में, हमें उस चीज का लाभ नहीं मिल पाया, अभी तक कोई लाभ नहीं मिल पाया। जी जी नहीं, मात्र 5 किलोमीटर है हमारे यहाँ सड़क डामरीकरण के लिए, अगर हमारे मंत्री जी चाहते तो 5 किलोमीटर डामरीकरण करवा सकते थे। 5 किलोमीटर की सड़क का डामरीकरण नहीं हो रहा है जी। चलिए अनिल जी, कृषि के लिए क्या बड़ा कृषि 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 सब मंत्री जी तो कृषि के हैं हमारे, और उन्होंने बोर्ड लगाए हैं बहुत बड़े बड़े कि कृषि में नंबर वन, और अपने गांव को भूल गए क्या? अरे कृषि में नंबर वन तो बोर्डों में हो रहा है भाई जी। हमने अपने यहाँ पे पोले हाउस के लिए 4-5 पोले हाउस के लिए अप्लाई मैंने करवाया था, मैं खुद उस पोले हाउसों की फीस जो सिक्योरिटी थी उसमें 12% जमा कराने के लिए उद्यान टेयरी में गया था, 12,190 रुपए में जमा करा के, मेरे पास उनकी रसीद भी है। अरे वहाँ पे पूरी नेतागिरी चल रही है कि जब मंत्री जी आएंगे तो मंत्री जी के हाथों से हम आपका वो कटवाएंगे, और हमने ट्रैक्टर बुक करवाए थे, ट्रैक्टर बुक करवाए थे, और हमने इस समय ट्रैक्टर चाहिए थे, हमने ट्रैक्टर की धनराशि जमा कर चुके हैं विभाग में, और ट्रैक्टर हमें तब मिलेगा जब मंत्री जी अपने रेवन काटेंगे, अतः अब हमें क्या जरूरत है, हमने तो अब अपने बैलों से जैसे करके हालत लगा ही लिया। तो सुभाष जी, ये कौन से उत्तराखंड की बात हो रही है जहाँ पर, जहाँ ये कृषि नंबर वन की बात कर रहे हैं, ये कौन से उत्तराखंड, ये कोई और उत्तराखंड बन गया है क्या? कौन से लगता तो बिल्कुल ऐसी है कि ये कोई दूसरा उत्तराखंड है जहाँ की बात राज्य सरकार कर रही है कि कृषि में नंबर वन है, क्योंकि हमने देखा जब हम हरसिल पहुंचे थे तो, क्योंकि सेब की खेती बहुत बेहतर होती है हरसिल में, और कहा जाता है हरसिल का जो सेब है वो विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन उत्तराखंड सरकार के पास पेटी देने के लिए उन हरसिल के किसानों को नहीं है जो अपने सेब की ब्रांडिंग कर सके कि उत्तराखंड का सेब है, वो लोग हिमाचल के नाम पर अपना सेब बेचते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति उत्तराखंड में कृषि की है। लेकिन क्योंकि ये तो कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी के क्षेत्र की बात है कि वहां के क्षेत्र के लोगों को पॉली हाउस के लिए रिबन कटवाने की आवश्यकता पड़ रही है, प्रचार सरकार करना चाहती है कि लोगों को काम मिले ना मिले, लेकिन जब वो रिबन काटेंगे, जब उनकी फोटो लगे, जब उनका प्रचार होगा, तभी लोगों को कृषि में बेहतर जो चीजें वो मांगते हैं, चाहे वो बीज हो, ट्रैक्टर हो, पॉली हाउस हो, सभी मिल पाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि फोटो खिंचवाने के लिए, और क्योंकि कागजों में बेहतर प्रदेश बताने के लिए, बेहतर कृषि क्षेत्र बताने के लिए राज्य सरकार इस समय काम करती हुई नजर आ रही है, जैसे कि अनिल कुमार जी भी बता रहे हैं। अनिल जी, जब आपके गाँव में अब की बारी आपके MLA मंत्री वोट मांगने के लिए आए, आपका क्या प्रश्न होगा उनसे, किस तरह के आपकी नाराजगी किस तरह से व्यक्त करेंगे आप? हमारी नाराजगी जब हमारे क्षेत्र में, हमारा सौभाग्य था कि जब हमारे पूरे टीरी में हमारे नयननगर से कैबिनेट मंत्री बने थे, हमें उसी समय सौभाग्य प्राप्त हुआ था, चलो हमारे क्षेत्र में चलो कृषि मंत्रालय मिल गए, कृषि से तो कम से कम हम मजबूत हो जाते, कृषि से हम मजबूत नहीं हो पाए। देखो मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं हमने पोलिया 4-5 पोलिया उसके लिए मैंने पैसा कटवा रखा है उद्यान विभाग में, वो पैसा जमा है मेरे पास, उत्तर सदी रसीद भी है पूरी, बिल्कुल अभी कम से कम पोले हाउस नहीं लग पाए हमारे, अरे हमारे यहाँ पे सिंचाई विभाग की गूल है, वो उस गूल का कम से कम 2 साल से पहले किसी ठेकेदार के नाम से टेंडर हुआ था, और हमारे सारे खेत बंजर पड़ चुके हैं।
तो सुना आपने, यहां सीधे तौर पर राय जो थी लोगों की वो हम आपको सुना रहे थे। सीमा जी, सीमा जी, दरअसल ये जो क्लिप थी वो उस कार्यक्रम की थी जिसमें हम जिक्र कर रहे थे मेरा देश मेरा गांव। मैंने जिक्र किया था आपसे लावा गांव का, नरेंद्र नगर वीआईपी सीट, सुबोध उनियाल जी कृषि मंत्री हैं, मैं उन्हीं के विधानसभा सीट का जिक्र कर रहा था। जब हमारे एडिटर इन चीफ ने वहां के लोगों से, वहां की आवाम की पीड़ा सुनी, तो वहां की आवाम ने बताया लावा गांव में सड़क नहीं, स्कूल नहीं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे स्कूल जाना भूल गए क्योंकि वहां नेटवर्क ही नहीं होता। चाका बाजार है, चाका बाजार, क्योंकि गैरसैंण का जिक्र किया ना आपने कि गैरसैंण में क्या पहाड़ में राजधानी होने से क्या पीड़ा दूर हो जाएगी, मैं तो सिर्फ देहरादून से कुछ किलोमीटर दूरी की बात कर रहा हूं आपसे, नरेंद्र नगर की। चाका बाजार में 35 गांव आते हैं, 35 गांव, आप सुनिएगा हैरानी की बात, और 35 गांव को जोड़ने वाला चाका बाजार, उसकी आबादी लगभग 4,000 से 5,000 के आसपास है, पलायन करने के बावजूद वहां एक जिला अस्पताल है, एक जिला अस्पताल, और सिर्फ एक कंपाउंडर उस पूरे के पूरे जिला अस्पताल को चलाता है। आप महिला हैं इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि कोई प्रसाव की पीड़ा झेल रही हो महिला, उसे ऋषिकेश जाना पड़ता है, ऋषिकेश, ये है मॉडल हमारा पहाड़ का। प्लीज कंटिन्यू सीमा जी। जी, जैसा मैंने सुना तो दुख हुआ मुझे ये सुनकर कि इस गांव में ऐसी है प्रॉब्लम, लेकिन इसीलिए मैंने आपको कहा था कि गैरसैंण में अगर लड़ाई लड़नी है तो प्रगति की लड़ाई लड़िए, प्रोग्रेस की लड़ाई लड़िए, प्रोग्रेसिव बनिए कि वहां पर पहाड़ों नहीं, 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 मैं तो लावा गांव का जिक्र कर रहा हूँ, एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ मैडम, ये कुछ देर पहले की हमने चर्चा में आपको सुनाई है मैंने, ये लावा गांव के खुद ग्राम प्रधान वहां पे, वहां की आवाम बता रही है कि 5,000 लोगों का जो है ये गांव की जगह है चाका बाजार, वहां पर ये हालात है, जिला अस्पताल, वहां एक कंपाउंडर चला रहा है, पूरी व्यवस्था, आपको हैरानी नहीं हुई? और वीआईपी नरेंद्र नगर सुबोध उनियाल जी का क्षेत्र, चावला जी सारी हकीकत खोल के रख दी, 4.5 साल 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसकी हकीकत खोल के रख दी आपने, उसके बाद भी अगर अमरजीत जी, एक सेकंड प्लीज, सवाल का जवाब सत्ता के पास होता है, एक सेकंड जवाब लेने दीजिए, मैं सत्ता से ही पूछना चाह रहा हूँ, मैं सियासी तू तू में मैं नहीं जाना चाह रहा, प्लीज अगर इनको थोड़ी सी लाज शर्म हो सुने और उसको उसको अब सुन लीजिए ना, सीमा जी से सुनिए, सीमा जी प्लीज, आपने उत्तराखंड के आज देखिए सर जो काम करेगा, सीमा जी कमियां उसकी मैं निकलेंगी, काम करेगा तो कमियां निकलेंगी, काम नहीं किया कमी नजर आ रही हो, जब काम नहीं करेगा निकम्मा तो उसके ऊपर क्या प्रॉब्लम आएगी, वो क्या बताएगा कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, बिल्कुल ठीक काम, आपने सही नाम दिया अपना निकम्मा, आपने सही नाम दिया निकम्मा, कुछ छूट गया होगा उसकी, मैं कह रही हूँ कि ये बात मुझे दुख लगा, छूट नहीं गया, उन्होंने गिना दी आपको, स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर कृषि से लेकर के स्कूलों की बात बता दी आपको, क्या स्थिति है आज वहाँ पे अस्पतालों की, क्या स्थिति है वहाँ पर, बाकी सरकारी सुविधाएं दी जा रही है, आपको दिख नहीं रहा कि जन औषधि कितना ज्यादा काम कर रही है गरीबों के लिए, आपको दिख नहीं रहा कि आयुष्मान के तहत कितना लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, कितना लोगों को सुविधाएं मिल रही है, हाँ जब इतना सारा काम करेंगे तो कुछ छूटेगा क्योंकि बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ था हमारा देश, कितने कितने गांव थे जो एक सेकंड सुन लीजिए मुझे बताइए, कोरोना काल में आयुष्मान कार्ड से कितनों की मदद भी बता दीजिए, एक भी गांव ऐसा नहीं रहना चाहिए जहां पर सुविधा ना हो, मेरा सवाल जहां पर किसी तरह, सीमा जी मैं चाहूं तो मैं राष्ट्रवाद के नाम पर आप लोगों को टकरा दूं, लड़ा दूं, भिड़ा दूं, हमारी मुहिम ये है हम सेतु का काम करें, हम उस गांव की पीड़ा को आप तक पहुंचाएं, जो आप सियासतदान जो गांव की पहाड़ की पीड़ा दूर करने की बात करते हैं, मेरा जो फर्ज है पत्रकारिता का धर्म है हम उसको निभा रहे हैं, क्योंकि सत्ता के पास सवाल का जवाब होता है। मैं एक छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, मैंने नरेंद्र नगर के लावा गांव का जिक्र किया, वहां के लोगों ने बताया कि गांव बंजर हो चुके हैं, गांव बंजर मतलब कृषि मंत्री के क्षेत्र में गांव बंजर है, पॉली हाउस नहीं बन पा रहे, वहां पर जो छोटे छोटे ट्रैक्टर हैं वो तक नहीं मिल पा रहे,
मैं उन समस्याओं के समाधान के लिए आपसे अपील कर रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि वहां वो गांव है, कौन से गांव में विकास है, फिर या तो मुझे ले चलिए, मैं वो गांव में आपके साथ चलता हूं, मुझे दिखाइए वो कौन सा गांव है, या अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए, मैं नाम लेकर बता रहा हूं, ये गांव है लावा गांव, सड़क कृषि मंत्री का क्षेत्र, गांव बंजर, जमीन बंजर, कुछ छूटा है तो जरूर जी। और तरक्की होगी उस गांव की भी, जब इतने सारे पूरे देश में तरक्की हो रही तो वो गांव क्यों छोड़ा जाए, उसमें भी होगी तरक्की, लेकिन ये सीधे सीधे ब्लेम लगा देना कि कुछ करा नहीं है वो गलत है, जब बहुत कुछ करो तो सब कुछ छूट भी जाता है ना, बहुत बहुत तरक्की हुई है हमारे देश में, पूरा हमारा देश ही बदल जाता है ना, पूरा हिंदुस्तान बदल जाता है, पहाड़ों में जाना मुश्किल था, आज पहाड़ों में सब ऑल वेदर रोड जो है वो बन गई है, चारों तरफ कनेक्टिविटी है, नेटवर्क की आप बात करेंगे, नेटवर्क भी सब जगह है, लेकिन कुछ कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिसमें हम पर्टिकुलरली कहते हैं कि आप वहाँ बात हम नहीं भी नेटवर्क भेजेंगे, आप मेरे घर में देख लीजिए कि कोई एक कोना ऐसा होगा जहाँ नेटवर्क नहीं होगा, तो हम उसमें कोई मैंने पर्टिकुलर तो नहीं कह रखा कि वहाँ नेटवर्क ना जाए, लेकिन देश में तो हम नेटवर्क पूरी जगह भेज रहे हैं, किसी एक कोने में नहीं जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत काम हो गया है, भारतीय जनता पार्टी जो गांव गोद लिए गए थे वो गोद में रह गए, अगर कुछ छूटा है तो उसके लिए सोचा वो भी एक समय दीजिए, आगे हो जाएगा वो काम भी। ओके अमरजीत जी, जल हर घर अमरजीत जी, ये मुद्दा है, इन मुद्दों को उठाइए, गैरसैंण पर सांकेतिक धरना देने से कुछ हासिल नहीं होगा, अमरजीत जी तिलक भाई इनसे पूछिए, 225,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट आने की उत्तराखंड में कहां रह गई, 25,000 करोड़ रुपया गैरसैंण में लगना तो वो कहां रह गया, आज प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं 18,000 करोड़ 25,000 करोड़ के जुमले नहीं देकर के चले जाते हैं, कहां है, ये केवल हवाई बातें हैं, आप धरातल पे जो वही है जो आपने दिखाया है, ये उत्तराखंड की सच्चाई है, भारतीय जनता पार्टी के शासन में मैं क्या हो रहा है उत्तराखंड में, ये हमारी मुहिम है, सेतु का काम करने का सिर्फ हम कर रहे हैं, सरकार और गांव में बैठी उस आवाम का जिसके पास नेटवर्क तक नहीं पहुंच पाता, हम उनकी आवाज उठा रहे हैं, तो ये मुद्दे आप लोग क्यों नहीं उठाते हैं, आप गैरसैंण में सांकेतिक धरना देने से पहाड़ की पीड़ा खत्म हो जाएगी क्या, पीड़ा खत्म धरना देने से नहीं होगी, लेकिन गैरसैंण में जिस पहाड़ से भाग करके ये देहरादून में सत्र करना चाहते हैं, कांग्रेस यही संदेश देना चाहती है, इस शीतकालीन में भी हम गैरसैंण बैठ करके जनता के मुद्दे उठा सकते हैं, वहां बैठ करके हम अगर गैरसैंण करेंगे, सवाल बना हुआ है तो उसके जिम्मेदार उतने आप भी हैं अमरजीत जी, सत्ता में आप भी रहे, जब तिवारी जी जैसी शख्सियत इस सवाल को नहीं सुलझा पाई तो उसके जिम्मेदार इसका मतलब तो आप भी हुए, तिलक भाई समस्या क्या आती है आज, चलो भाई समस्या आती है, सवाल जब सत्ता से पूछना चाहिए, आप हो या बाकी लोग आप विपक्ष से सवाल करने लग जाते हैं, आप ये सवाल अमरजीत जी देखिए मुझे पत्रकारिता मत सिखाइए, सवाल सत्ता से पूछा गया है, नहीं लेकिन जो जिम्मेदारी आपकी है वो आईना दिखा रहा हूँ सिर्फ आपको मैं, आप डरिए मत आईना देखकर, तिलक जी मेरी बात सुन तो लीजिए, अगर कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं किया तभी भारतीय जनता पार्टी आई, अगर भारतीय जनता पार्टी आई तो 5 सालों में उन्होंने क्या किया, इस बात का जवाब दे वो। ओके भट्ट जी मुझे बताइए, ये चल रहा है जो कुछ, मैं कह रहा हूं कि इन मुद्दों पर चर्चा करिए ना, इन मुद्दों पर बहस करिए, इन मुद्दों पर चुनाव लड़िए, मैंने तो जिक्र किया नरेंद्र नगर की उस सीट का जहां से खुद कृषि मंत्री आते हैं, ग्राम प्रधान बता रहे हैं कि वहां के हालात ये हैं, और हम गैरसैंण में जाकर सांकेतिक धरना दे रहे हैं, क्या हासिल हो जाएगा इससे, नहीं देखिए मैंने जैसे पहले भी कहा तिलक भाई कि हरीश रावत जी एक कंफ्यूज व्यक्ति हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने जैसा कहा कि संजय भाई केवल मुद्दों से भटकाने के लिए बैठे हैं, आपके बीच में अमरजीत जी बिल्कुल नहीं बोला, अगर आप चाहते हो तो मैं आगे से आपके बीच में इतना बोलूंगा कि आपकी आवाज पहुंच नहीं पाएगी, अमरजीत जी आपके बीच में मैं बिल्कुल नहीं बोला, ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने इस डिबेट की तरह पूरे उत्तराखंड को भी सब्जी मंडी बना रखा है, और उस सब्जी मंडी होने के कारण आपकी बात सुनने के लिए बैठा हूं, 11.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, इन दोनों ने ही उत्तराखंड को गर्त में डुबाने के काम किया, इन लोगों ने मुद्दे पे आई, हरीश रावत जी का स्टिंग हो या हरीश रावत जी द्वारा देश के बीच घोटाले में त्रिवेंद्र रावत जी को बचाने की बात हो, और या
500 करोड़ से अधिक का था कृषि घोटाला हो, ये सब इन लोगों ने ही तो किया। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी वाले दोनों शामिल हैं छात्रवृत्ति घोटाले में, इनके विधायक के भाई हों या विधायक के बेटे हों, दोनों शामिल हैं। तो इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड को लूटने खसोटने का काम किया, और ये लूटते खसोटते रहेंगे और एक दूसरे का आरोप बढ़ते रहेंगे। उत्तराखंड के जनमानस को जो सुविधा चाहिए, जो सहयोग चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों करने में विफल रही है। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया और उस गांव की पीड़ा को आपने उठाया, ये उत्तराखंड के लगभग प्रत्येक गांव की पीड़ा है। तिलक भाई, मैं आपको थोड़ी सी बात में और जोड़ना चाहूंगा। आप सिर्फ देहरादून में आईएसबीटी से और रिस्पिरा पुल तक चले जाइए, 4.5 किलोमीटर की रोड है, पिछले 9.5 साल से बन रही है, भाजपा और कांग्रेस दोनों के शासन में आज तक पूरी नहीं बनी है और उम्मीद भी नहीं की जा सकती पूरी बनेगी। आप देहरादून में ही अगर देहरादून से सहारनपुर जाते हैं तो बॉन्ड पर किसी को नेटवर्क नहीं मिलता। आप पहाड़ की बात कर रहे हैं, पहाड़ पे इनके बस का है कुछ करना? इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ दलाली की है 11 के 11 मुख्यमंत्री होने उत्तराखंड को लूटने खसोटने का काम किया। भट जी सुनिए मेरी बात। आपने कहा ना, हम तो ग्राउंड जीरो पर जाकर काम कर रहे हैं साहब। हमारे जो कार्यक्रम है वो चाहे किस्सा कुर्सी का हो या जनता की आवाज हो, अगर आप ये कह रहे हैं कि देहरादून से आईएसबीटी वाली जो रिस्परा पुल वाली रोड है वो मैं दिखाऊं, मैं जाऊंगा या मेरे सहयोगी जाएंगे, हमारी टीम का हिस्सा जाएगी, और वो कुछ ही घंटों के बाद वो तस्वीर भी दिखाऊंगा आपको, वो तस्वीर भी दिखाऊंगा। मैं तो उस गांव का जिक्र कर रहा हूं साहब, जिस गांव तक आप लोग नहीं पहुंचते। और मैं इस सवाल के साथ छोड़ के जा रहा हूं कि आखिरकार गैरसैंण में अगर आप राजधानी बनाते भी हैं, बनानी चाहिए, वो इंद्रमणि बड़ोनी की भी कल्पना थी, वो पहाड़ी राज्य की कल्पना थी, वो राज्य आंदोलनकारियों का सपना था, आप बनाइए, लेकिन वो पहाड़ की पीड़ा क्या उससे दूर हो जाएगी? मेरा सवाल उस सियासतदानों से है, अमरजीत जी सत्ता में आप भी रहे, सीमा जी आप भी रहे, लेकिन आप राजनीति को बदलने की बात कर रहे हैं भट जी, इसलिए ये प्रश्न आप लोगों से मैं कर रहा हूं। ये विषय सिर्फ गैरसैंण नहीं है, उस पहाड़ की पीड़ा है। सीमा जी 10 सेकंड आपके, सीमा जी 10 सेकंड आपके प्लीज जी। ये पूरा विश्व जानता है कि भारत ने कितनी तरक्की करी और उत्तराखंड ने भी बहुत तरक्की की। बहुत समय नहीं हुआ जब आप केदारनाथ नहीं जा पाते थे, आप बद्रीनाथ जाने के लिए बहुत मुश्किलें आती थी, चारों धाम में जाना एक सपना हुआ करता था लोगों का, आज बड़े आराम से लोग जा रहे हैं। ठीक है, वक्त बदलता है और बहुत बदला है, बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन उसके लिए समय चाहिए। 2 साल कोरोना में निकल गए, जो बहुत ही ऐसे गए कोरोना में, आप बोलेंगे नहीं सर, मैं नहीं बोलूंगा कोरोना में ऐसा था। मैं लावा गांव का जिक्र कर रहा हूं, आप नोट करिए, नरेंद्र नगर की आवाम आपको सुन रही है, आज 100% और घर घर में बिजली देने का हमारा सपना है जो काफी हद तक साकार हुआ, लेकिन अभी नरेंद्र नगर की आवाम इस वक्त आपको सुन रही है, वो भी होगा सर, वो भी होगा। नरेंद्र नगर की आवाम, हमारा लावा गांव की आवाम आपको सुन रही है, आप उनको संबोधित करिए, ये भी हमारा उद्देश्य है, लेकिन ये धीरे धीरे होगा, रातों रात नहीं हो जाता। जो मोदी जी ने भी 18,000 करोड़ की योजनाएं दी, आप चल रही अभी अभी उन्होंने बोला कि ये सब झुंझुना था, लॉलीपॉप थी, वो बताइए कि दिल्ली से यहाँ तक की जो उन्होंने कॉरिडोर दिया वो आपको सब झुंझुना लगता है? आप आराम से हरिद्वार जा सकते हो, आप हरिद्वार सब जगह बड़ा आसानी हो गया जाने के लिए, लेकिन वो सब कुछ आपको जब वो बन जाएगा ना, तो हमारा प्लानिंग थी बीजेपी ने नरेंद्र नगर की लावा गांव की जनता को संबोधित करना मैं चाह रहा हूं, अपनी जगह उनसे बोलिए, जब धरना प्रदर्शन करना होता है तिलक जी, ये लोग तब नहीं करते, जब इलेक्शन आ जाते हैं तब ये लोग क्यों कुंभकर्ण की नींद से जागृत होते हैं, मुझे सिर्फ इतना बताएं, अगर ये विपक्ष में है और किसी जनता देख रही है समझ रही है, क्यों नहीं खड़े होते? हम अपने एजेंडे पर कायम होते इलेक्शन के टाइम, ये हम अपने एजेंडे पर कायम है, इनको आपस में मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। सीमा मैडम, आप लोग लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए, उत्तराखंड की क्या बात करेंगे, उत्तराखंड को देश का नहीं पहले भी लड़े, उत्तराखंड में क्या कर दिया? अगर गैरसैंण की वापस थी, अगर आंदोलन कर रहे हो इसका रिस्पेक्ट तो उस समय बना के मुद्दे क्या उस समय सत्र करा देते कि ये पूरा साल चलेगा, मुद्दे जनता के, आज ये क्यों बोल रहे हैं? हम जनता की ही बात करेंगे, हम कह रहे हैं हम एजेंडा लेकर चल रहे हैं कि हम गांव गांव तक पहुंचेंगे, उसी एजेंडे को हम आगे बढ़ाएंगे, हम साथ होंगे आपके, लेकिन ये नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी आपका, अमरजीत जी आपका और भट्ट जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
जय उत्तराखंड। कल फिर हाजिर होंगे, पूछता है उत्तराखंड।